आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आपका वैसे चैनल को बेल आइकन को भी क्लिक करें, हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले दें। इससे पहले भी मैंने चैनल पे कढ़ाई छोले की रेसिपी शेयर की, आप उसको भी जरूर देखें। तो चलिए अब छोले बनाना शुरू करते। अब हम छोले बनाकर तैयार कर लेंगे। छोलों को मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था, इनको हमने नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर उबाल लिया है। अब सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालकर गर्म कर लेंगे, से 3 बड़े चम्मच हम ऑयल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे, इलायची डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे। इसके बाद हम 1 बड़े साइज का प्याज डाल देंगे। प्याज को हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए जिसको ऐसे बारीक काट लिया है। टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 चम्मच छोले मसाला, नमक भी डाल दें। मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है। मसालों को तेल अलग होने तक हम पका लें। हरी मिर्च और लंबाई में कट किए हुए अदरक के टुकड़े डाल देंगे। मसाला अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गया, हम इसमें उबले हुए छोले ऐड करेंगे। हमें छोलों का उबला पानी भी साथ में डालना है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हम छोलों को हल्का सा मैश कर लेंगे। हम छोलों में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। हम छोलों को 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। छोलों को चेक कर लेंगे। देखिए हमारे पूरी टेस्टी छोले बनकर तैयार है। इसमें हम धनिया भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। छोले बनकर तैयार है, गैस को बंद कर देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।